ये जनवरी का महीना ऐसा महीना निकला है कि लोगों को 4 महीने से जो सोना हो रहा था वो उठा दिया एकदम। रीजन बीइंग, सबसे पहले शुरुआत हुई हमारे एचडीएफसी बैंक की, 15% का डिक्लाइन। एक ऐसा बैंक जो कि म्यूचुअल फंड होल्डिंग का टॉप वेटेज रखता है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड से पूछ लीजिए, तेरे म्यूचुअल फंड होल्डिंग के अंदर एचडीएफसी बैंक है? ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं है जिसके पास एचडीएफसी ना हो। बैंक निफ्टी का टॉप टियर होल्डिंग है एचडीएफसी बैंक की। सेकंड चीज आपकी होगी जी एंटरटेनमेंट। इस शेयर प्राइस डिक्लाइन के अंदर 30% का जो डिक्लाइन आया है वो भी म्यूचुअल फंड्स का नुकसान हुआ है। क्यों? 32% स्टेक म्यूचुअल फंड्स के पास थी जी एंटरटेनमेंट के अंदर। ये सारे सिनेरियो में एक चीज कॉमन है कि सारे के सारे स्केल के अंदर आपके म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री के ऊपर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुई है जो कि उनके फेवरेट स्टॉक्स थे। रीजन बीइंग, इन्होंने जिसने भी इनको क्वेश्चनेबल चीजें शुरू करी हैं इनके स्टॉक के ऊपर, वो इनको इसलिए शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये म्यूचुअल फंड हैवी स्टॉक्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी इनको लव करते हैं, और इनके ऊपर क्वेश्चन करके आपने पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न्स को कैप कर दिया। क्योंकि जहां पे एचडीएफसी की होल्डिंग अगर आपके म्यूचुअल फंड में है, तो आप अगर निफ्टी को बढ़ाना है, सेंसेक्स को बढ़ाना है, तो एचडीएफसी बैंक तो एक की कंपोनेंट है आपकी होल्डिंग का। अगर वो नहीं बढ़ेगा तो निफ्टी और सेंसेक्स भी बढ़ नहीं सकता। ये कैलकुलेशन लगाना शुरू करिए, आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है आज के माहौल में। रीजन बीइंग, एचडीएफसी की होल्डिंग्स म्यूचुअल फंड्स प्लस डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स की वन ऑफ द हाईएस्ट है। इस बैंक को तोड़ के हमको एक चीज प्रूव होगी कि पूरे पूरे म्यूचुअल फंड्स की जो रिटर्न्स हैं वो कैप हो जाएंगी अब आप आगे जाके। क्यों? क्योंकि अगर ये बैंक नहीं चलेगा तो हाईएस्ट कंपोनेंट वेट का जो इस बैंक के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ के जुड़े हुए म्यूचुअल फंड भी नहीं चल सकते। सिमिलर केस है हमारा जी के साथ। जी के प्राइस में अगर 32% का डिक्लाइन आया है तो 32% तो हमारा म्यूचुअल फंड्स के साथ है। ये सारे सिनेरियो में एक चीज कॉमन है कि नुकसान इस टाइम सबका हो रहा है, म्यूचुअल फंड्स प्लस जितने भी हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। और ऐसे ट्रैप को अगर आपको समझना है तो आपको अपना दिमाग पे काम करना पड़ेगा कि आप ये सोचिए, एचडीएफसी बैंक जैसा स्टॉक अगर 15% टूट सकता है तो स्मॉल और मिड कैप स्पेस के अंदर अभी पूरा साल बचा है, ऐसी वॉलिटिलिटी क्रिएट होने वाली है, तैयार हो जाइए रोलर कोस्टर के लिए। थैंक यू।